नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीद सिद्दीकी। 99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आदान इंटरनेशनल स्कूल टोली चौकी में वाक़ पेश आए 4.5 साल मासूम लड़की की इसमत रेजी को लेकर कमिश्नर ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस पहुँचे, जिस पर नुमाइंदगी करते हुए स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही इन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस बात पर भी तवज्जो दिलाई कि स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना छोड़ पुलिस ने वहां पर एहतजाज कर रहे नौजवानों को गिरफ्तारियां की, जिसे फौरी रिहा किया जाए और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके लिए रुकन पार्लियामेंट अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद सिटी पुलिस के रुकन श्री अंजन कुमार और कलेक्टर हैदराबाद से इसकी नुमाइंदगी की और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। आइए नाज़रीन इसी की तफसीलात पर रोशनी डालते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद अली के साथ। आज पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास नुमाइंदे की गई, खास तौर से इस स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर और साथ ही साथ कलेक्टर हैदराबाद के पास भी नुमाइंदे की गई कि स्कूल को बंद कराना और उनके तमाम स्टाफ के ऊपर एक केस कराने के लिए भी नुमाइंदे की गई। और उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह, जैसा कि आज कलेक्टर हैदराबाद और पुलिस कमिश्नर ने तयफुन दिया तमाम के ऊपर एक्शन लेने के लिए, और साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल को बंद कराने के लिए भी हम नुमाइंदगी की है, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, खास पर्सनली जो है ना, आज हमारे कमिश्नर ऑफिस के पास, कमिश्नर ऑफिस में हमारे साथ आए साहब, हमारे साथ आके कमिश्नर ऑफिस को लेकर गए ऊपर साहब के पास ले जाके हमारे को पूरा इंसाफ दिलाने की बात करे, साहब से बात करे, खुद असद साहब बात करे, जो है ना इंसाफ दिलाने के लिए इस इंतज़ामिया पे, स्कूल इंतज़ामिया पे, स्कूल पे भी एक्शन लेने के लिए साहब ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कमिश्नर साहब से। और साहब जो है ना कोई पॉलिटिकल या कोई उसके लिए जो है ना ये काम नहीं कर रहे हैं। साहब खुद अपने मुंह से पर्सनली बोले, ये मेरी बच्ची है, ये मैं जो है ना पर्सनली मेरी बच्ची है, ये हम जो है ना इसके लिए इंशाल्लाह जो है ना जितना हो सके उतना इंसाफ दिलाए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह जो है ना। साहब को हमारे को पर्सनली बोले और साहब जो है ना इसके बाद के लिए नहीं, कोई सियासी वहाँ से फिर कलेक्टर ऑफिस कोई मौका वहाँ से जो है ना साहब फिर हमारे को वहाँ से लेके जो है ना कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ पे भी कलेक्टर ऑफिस के सामने भी साहब ने जो है ना बात रखी, साहब ने कलेक्टर ऑफिस से भी जो है ना रिक्वेस्ट किया है, कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द जो है ना एक्शन लिया जाए इसके ऊपर, जो है ना हर चीज़ के ऊपर, स्कूल इंतजामिया के स्कूल के ऊपर एक्शन लिया जाए और जितने भी इसमें मुजरिम है, जितने भी मुजरिम है उनको सज़ा दिलाया जाए, उनसे भी साहब ने रिक्वेस्ट किया है पर्सनली। और स्कूल इंतजामिया ने मैसेज एक वायरल किया है फैमिलीज़ को, पूरे पेरेंट्स के 19 को स्कूल रीओपन है, बस आसर साहब ने उसके ऊपर भी मजम्मत की है कि ये स्कूल नहीं खुलना चाहिए, ये बंद रहना चाहिए स्कूल जो है ना, उसके ऊपर भी आसर साहब ने मजम्मत की है पर्सनली कलेक्टर साहब से। मैं आसर साहब का खैर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंशाल्लाह जो है ना, मैं मेरी तरफ से भी उनको बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी उनका अदबन जो है ना शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने आया और मेरा जो है ना साथ दिया, और मुझको उम्मीद है उनसे और आगे भी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जो है ना हर मोड़ पे जो है ना इंसाफ दिलाएंगे मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची बोल के नहीं, जैसे जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है ना इंसाफ दिलाएंगे बोल के ऐसा सब ने वादा किया इंशाल्लाह। शुक्रिया।